हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी केमिकल रिएक्शन एग्जांपल, साथ ही साथ केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको भी हम लोग लिखना जान गए थे। तो आज से हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, समीकरण को संतुलित करना। तो आइए देख लेते हैं क्या है समीकरण को संतुलित करना। आप सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट समझिए, जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये बैलेंसिंग में यही ध्यान देना है कि रिएक्टेंट के साइड एटम जो हो, है ना, एटम परमाणु, और प्रोडक्ट के साइड जो एटम हो, ये दोनों साइड ध्यान दें इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए, इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हम ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग समीकरण संतुलित करते हैं। देखिए, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन रिमेंस सेम, है ना। जो रासायनिक समीकरण में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनमें उपस्थित जो एलिमेंट है, है ना, एलिमेंट, ठीक है, तो उसका एलिमेंट का जो एटम है वो क्या होना चाहिए, रिमेन सेम, है ना, रिमेन सेम मतलब समान होना चाहिए, रिएक्टेंट के साइड एंड प्रोडक्ट साइड, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो एलिमेंट के एटम होते हैं वे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल ज़रा समझिए। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये तो सिंपल है, आप देखते ही जान लेंगे कि यह पहले से ही बैलेंस है, मतलब बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट है। देखिए, ये एरो के लेफ्ट साइड ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और एरो के देखिए राइट साइड ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, है ना, प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। अब आपको देखने को मिलेगा कार्बन का नंबर, अगर आप चेक करें यहाँ तो कार्बन देखने को मिल रहे होंगे आपको, कि कार्बन का नंबर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन अगर आप ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के एटम चेक करना है, ये तो मॉलिक्यूल यहाँ पर कितना है, 1 है, लेकिन एटम अगर देखेंगे तो 2 है, ठीक। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के देखें O2, है ना, ऑक्सीजन के दो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु का निर्माण करते हैं। तो अब आप, ये तो रिएक्टेंट साइड हुआ, प्रोडक्ट साइड देखिए, इसमें CO2 में कार्बन की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन भी आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो भी 2 हैं। तो आप चेक करिए, कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, ठीक है, ऑक्सीजन देखें यहाँ रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है, तो इसलिए ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है, ठीक। अब जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये मैग्नीशियम है और हम रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, कैसे पता चला कि ये MgO ही होगा फार्मूला? तो ये तो आप 9th में ही पढ़ चुके हैं, अगर याद हो आपको तो, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो मैग्नीशियम का देखिए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, मैग्नीशियम है,
है ना, इसका तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर इसका होगा 12, है ना, 12 होगा तो 2 8 2, 2 8 10 10 2 12। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का अगर आप चेक करें तो 8 होता है एटॉमिक नंबर, इसका तो 2 6 होगा। अब सभी तत्व तो ध्यान देना, सभी अक्रिय गैस तत्व तो जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान रेडान। इनका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे तो हीलियम का आप ध्यान से देखें, हीलियम का तो 2 होता है ना, नियान का 10 होगा, आर्गन का 18 होगा, ये मैं परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ ध्यान देना, ये 36 होगा क्रिप्टन का, है ना, क्रिप्टन का देखें यहाँ, अच्छा ये पेज चेंज होने से ये कट जा रहा है, तो देखिए यहाँ 10, ये 18, ये 36 और इसका 54 एटॉमिक नंबर है, रेडान का 86। तो सभी लोग इन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, इनर्ट जैसे। तो अब देखिए अगर यहाँ 12 है, ये 2 निकाल दे तो हो जाएगा कितना, नियान जैसा। और यहाँ देखिए 8 है, 8 के क्लोजेस्ट कौन है, इसके नज़दीक 10 ही है, तो ये वही 2 ले लेगा अगर, तो इसका 10 हो जाएगा। तो देखिए अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन निकाल कर अक्रिय गैस तत्व जैसा ये बनना चाहेगा ध्यान देना, और जितना एक्सेप्ट करके ये अक्रिय गैस तत्व जैसा बन रहा है, तो जितना जितना संख्या में वो इलेक्ट्रॉन वही है ना निकाल रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो इसका भी दो, इसका भी दो, आप उनकी संयोजकता उसी तत्व के ऊपर आप लिख करके तिरछा गुणा कर देंगे, और तिरछा गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखें आपको मिल जाएगा Mg2। देखिए Mg का यहाँ 2 में ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2, और O भी 2 हो गया, है ना, O भी 2 हो गया। अब 2 2 कैंसिल हो गए तो MgO जो है ये आपको इसका फार्मूला पता हो गया। तो यही बताना चाह रहे थे कि क्यों हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जैसे रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्यों लिख देते हैं कि Mg, देखें क्यों MgO2 से रिएक्शन करके MgO बना लिया, तो ये तो बात समझ गए होंगे। अब देखिए बैलेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो Mg यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, वो तो इक्वल है ना, Mg का नंबर अगर आप चेक करें तो 1 है रिएक्टेंट के साइड अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ भी अगर आप चेक करें तो Mg की संख्या जो परमाणुओं की संख्या है वो एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन अगर आप देखें रिएक्टेंट यानी अभिकारक के साइड तो यहाँ 2 है और जबकि प्रोडक्ट के साइड 1 है। तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पर 2 कैसे होगा, तो आपको इधर कभी नहीं लगा के चेक करना है ध्यान देना, गलत हो जाएगा, ये बात याद रखें ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको शुरू में यहाँ पर 2 ऐड करना होगा तब सही ये होगा आपका ठीक है, नहीं तो 2 कर देंगे अगर यहाँ पर तब तो रंग हो गया ना, तब आप संयोजकता में तब तो गुणा किए तो ऊपर रख करके फिर देखें फार्मूला चेंज हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए 2 आप सामने लगा कर संतुलित करेंगे। अब देखिए 2 तो हो गया ये, है ना, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 2 तो हो गया, इधर भी 2 हो गया, इक्वल हो गया, लेकिन आप ध्यान दें अगर तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया है ना, मैग्नीशियम 2 हो गया है, तो यहाँ भी आपको मैग्नीशियम 2 करने के लिए केवल मैग्नीशियम में 2 का गुणा करना पड़ेगा ठीक। तो इस तरीके से आपका ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। इस तरीके से और भी एग्जांपल आप दिया, यहाँ देखें दिया गया है, जैसे आयरन है H2O के साथ रिएक्शन करवा दिए तो या फिर 2O3 बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई है ना, अब संतुलित करना है, संतुलित करना है, देखिए कैसे करेंगे इसको यहाँ लिख कर आपको थोड़ा सा समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। H2O, अब देखिए
यहाँ Fe2O3 और साथ ही साथ यहाँ हाइड्रोजन नीचे लिख दे रहे हैं, ये बना। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल आप समझें। अब यहाँ पर देखिए Fe2O3 है ना, Fe कितना है यहाँ 2 है, और ऑक्सीजन कितना है ज़रा देखें 3 है। तो ऑक्सीजन 3 है यहाँ, तो आपको 3 करना पड़ेगा यहाँ, है ना, तभी तो कॉमन में 3 ऑक्सीजन होगा। अब आप लिखिए मत, अब प्रैक्टिस करिए और जल्दी जल्दी, ऐसे ये नहीं कि बार बार लिख के आप करें, 2-4 बार आप करके फिर फास्ट करेंगे, ठीक। तो 3 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गया कॉमन में। अब आपको केवल आयरन देख लेना है यहाँ पर, आयरन तो यहाँ 2 है ना, 2 परमाणु हैं तो 2 कर लेंगे। और एक बात हाइड्रोजन ध्यान देना, हाइड्रोजन यहाँ 3 2 6 है, और जबकि यहाँ आपको कितने से मल्टीप्लाई 2 में कर दें कि जिससे 6 हो जाए, तो वही 3 2 6। तो इस तरीके से ये गैस है, आप ऊपर दिखा सकते हैं इसका, वो भी आप लिख सकते हैं अवस्था, जैसे आयरन जो है ये क्या है, सॉलिड होता है तो यस लिख सकते हैं, ये लिक्विड है तो एल लिख दें, ठीक है, या फिर 2O3 ये भी सॉलिड है तो ये आप लिख दें, हाइड्रोजन गैस है तो आप जी लिख दें, ठीक है, ये भी आप दिखा सकते हैं सब अवस्था भी। तो इस तरीके से संतुलित आप करते हैं, ठीक। चलिए, ये उम्मीद करते हैं कि इतने एग्जाम्पल जो हैं वो काफ़ी हैं आपको समझने के लिए। अब देखिए आगे आपको मिलेगा ये सब, यहाँ ज़रा देखें ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब इसके पहले एक हेडिंग बना देना चाहिए था, टाइप्स ऑफ, ध्यान देना ये आप जानते रहिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। यहाँ मैं फिर से देखें, जैसे आप देखें पहला आप तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन को और रिएक्शन लिख दे रहे हैं। और देखें इसी को आप कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, मतलब इसी यही है आपका, ये ऐड मतलब जोड़ जानते हैं ना, तो संयोजन अभिक्रिया इसी को आप कहते हैं, या इसी को आप योगात्मक, योग है ना, योग, योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें तो कोई दो पदार्थ आपस में जुड़कर केवल सिंगल ही उत्पाद बनाएंगे, ये सब बताया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आप जरा देखें इसमें, दूसरा प्रकार इसी में आपको देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन और रिएक्शन जान लीजिए, इसी के दूसरा नाम है ना, इसी के दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन मतलब विस्थापन, ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा है, ऐसे कई प्रकार हैं। तीसरा देखें, तीसरा आपको देखने को मिलेगा, जैसे इसी में देखने को मिल जाएगा आपको अलग अलग सब अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब आप इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखने को मिल जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसी का एक दूसरा नाम है, ध्यान देना, उपचयन, उपचयन, ध्यान दें अपचयन नहीं, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, ठीक। ऐसे ही आपको चौथा पॉइंट देखने को मिल जाएगा रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, रिडक्शन रिएक्शन को ही आप कहते हैं अपचयन, ध्यान देना अपचयन, उपचयन जानते रहिए, तो अपचयन अभिक्रिया भी आप इसे कह सकते हैं। और देखिए इसमें कई हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन आप पढ़ेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है, एक्जोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे आप, ये देखें, एक्जोथर्मिक हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन ये भी आपको देखने को मिलेगा। इंडोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी हो गया, इग्जो मतलब बाहर करना, इंडो मतलब अंदर लेना मतलब उष्माक्षेपी, ये भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे देखें, बहुत से अभिक्रियाएं हैं सब, ठीक है, और इलिमिनेशन रिएक्शन ये तो फिलहाल आप लोगों में है नहीं। विलोपन अभिक्रिया ये 11th में 12th में आपको मिलेगा, ये विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया। और ऐसे ही और भी बहुत से, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये 7 हो गया। 8वां पॉइंट देखें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जिसे आप अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। और डिकम्पोजिशन में ही डिसोसिएशन कह देते हैं, लेकिन ध्यान देना उसमें थोड़ा सा अंतर है, जानते रहिए। डिसोसिएशन ये बताया जाएगा आपको, डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये अपघटन अभिक्रिया, डिसोसिएशन को आप कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएँ दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, ध्यान देना, और अपघटन अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होता है। तो ये सब अंतर आपको बताएंगे पूरा डिटेल। तो बहुत से ऐसे इस तरीके से अभी और भी अभिक्रियाएँ होती हैं, आप जानते रहिए। ये तो टाइप्स हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ध्यान दें, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आप ज़रा चेक करिए, ध्यान दीजिए। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि द रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंसेस कम्बाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल सिंगल मतलब एकल उत्पाद बनाए, ध्यान देना। जैसे कोई ए पदार्थ है, बी से क्रिया करके केवल एक ही बनाए सी, है ना, इस तरीके से हो सकता है। ए बी सी आपस में क्रिया करके यहाँ कोई एक ही पदार्थ बनाए यहाँ, ठीक है। ये तो जनरल में ऐसे बता रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल आप समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे ए प्लस बी कहने का मतलब ये, जैसे H2 और Cl2 ये आपस में क्रिया करके केवल एक ही पदार्थ HCl बना लिए, ठीक है, ये केवल एक ही पदार्थ है। अब इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, क्योंकि 2H के यहाँ पर परमाणु हैं और 2Cl के यहाँ पर परमाणु हैं। तो अब आप ये मत कह देना कि यहाँ 2 बन गया है ना, 2 पदार्थ बन गए, पदार्थ एक ही है ना, केवल इसके 2 क्या हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो पदार्थ तो एक ही है, एकल ही उत्पाद बना, ध्यान देना। तो ये क्या हुआ, ये दोनों अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके एकल उत्पाद बनाए, इसलिए आप कहेंगे कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, अभी अगर आपके पास जैसे Mg+Cl2 है तो ये भी आपस में क्रिया करके MgCl2 बना लेगा, ठीक है। इसके अलावा सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दें तो सोडियम ऑक्साइड बनाया, है ना, ये ऊपर वाला तो संतुलित था, इसे संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो आप 2 करने जाएंगे तो 2 जब 4 Na हो जाएगा तो 4 कर देंगे, देखें संतुलित हो गया।
तो ये भी देखिए, ये दो पदार्थ आपस में मिलकर मतलब सोडियम ऑक्सीजन, ये केवल सोडियम ऑक्साइड बना रहे हैं, है ना। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया, मान लीजिए यहाँ देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कुछ भी, टेम्परेचर लगभग 200 से 300 के बीच आप यहाँ लेते हैं। तो ये देखिए होता क्या है कि वास्तव में जो निकिल पैलेडियम प्लेटिनम है, ये मान लीजिए ये है निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, ये करते क्या है, ये एडजॉर्प्शन एक होता है, एक प्रोसेस है, जैसे एब्जॉर्प्शन सुने हैं, अवशोषण पूरे बॉडी में होता है, अधिशोषण, ध्यान दें अवशोषण नहीं अधिशोषण, केवल सतह पर ही, केवल एक ऊपरी सतह पर ही ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ अधिशोषित कर लेगा। और यही जब 200 से 300 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर देते हैं तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप ध्यान से अगर देखें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज़रा समझें, प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाता है, इसमें ध्यान देना, इसमें दो बंद होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बंद, एक होता है पाई बंद। सिग्मा बंद जो होता है ये मजबूत होता है पाई बंद से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिग्मा बंद होता है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बना होता है, जो आर्बिटल होते हैं आर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैप्स बना होता है, हेड टू हेड ओवरलैप से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक। और वो जैसे यहाँ समझें हेड टू हेड, और ये क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पी का आर्बिटल लेते हैं, ठीक है, ये पी एक्स, ये यहाँ पी वाई, ठीक है, पी वाई, ये दोनों अगर आप जोड़ देंगे तो ये हेड टू हेड ओवरलैप ऐसे अगर हो रहा है तो इसको हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अगर यहीं पर ध्यान देना, यही आर्बिटल कुछ इस तरीके से अगर हैं, ठीक है, ये इस तरीके से ये आपस में जुड़ रहे हैं तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे, ये ऐसे देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग इसे आप कहते हैं, यहाँ ज़रा चेक करिए, देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग, यहाँ वहाँ ना समझ पाए हो तो यहाँ समझें, इस तरीके साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है और ये कमज़ोर होता है, यही पाई बंद है यही बनाता है, तो ये पाई बंद कमज़ोर होता है, ठीक, ये बातें आप जानते रहिए, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल तो काफ़ी आप समझ गए होंगे लगभग, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, और भी बहुत से एग्जांपल हैं, आप जानते रहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ज़रा समझें, एग्जांपल यहाँ देखें और दिया है यहाँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, है ना, शुष्क चूना, इसी को आप सूखा चूना कहते हैं, और उसी में आप पानी मिला दें, जल, तो ये CaOH का होल ट्वाइस ये बना लेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो ये देखिए दो पदार्थ आपस में क्या किए, ये कंबाइन करके केवल एकल उत्पाद, सिंगल उत्पाद बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से ये देखें आप, इसी को क्विक लाइम कहते हैं, ये देखें क्विक लाइम, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड या ड्राई लाइम भी आप कहते हैं, और ये जो बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को लाइम वाटर भी कहते हैं, चूने का पानी, तो जानते रहिए। और इसमें कभी कभी पूछता एक प्रश्न है कि अगर जैसे क्विक लाइम को जल में मिलाएं तो एक दुधिया, है ना, मिल्की यहाँ पर एक सोल्यूशन प्राप्त होता है, मतलब दुधिया एक विलयन प्राप्त होता है, और उसी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें, देखें यहाँ पर है, ये ज़रा देखिए, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसी पर हम क्या करें ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्रश्न पूछता है, तो आप जानते रहिए कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, ठीक है, CaCO3 प्राप्त होता है,
तो ये भी जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे देखिए, जैसे अब ये सब, जैसे कार्बन का भी अगर आप कंबस्शन करवाएं, है ना, तो सी ओ टू बनेगा। देखिए ये भी दोनों आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाए, तो ये भी आपका योगात्मक अभिक्रिया हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, है ना। इसके अलावा जैसे आपके पास ये है एच टू है, ओ टू है, ये दोनों गैसें आपस में मिल करके एच टू जल का निर्माण कर देती हैं। तो देखिए ये दोनों आपस में मिलकर संतुलित कर दें तो ये जल बनाए एकल उत्पाद, तो ये भी योगात्मक हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस बना ले, NH3 संतुलित कर दीजिए। यहाँ देखें दो नाइट्रोजन है तो यहाँ आप दो लगा देंगे, अब हाइड्रोजन भी दो तियाई छः हो गया, तो तीन दूनी छः, देखें पहले से हम कर दिए थे याद था। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाए, तो ये भी योगात्मक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो इस तरीके से ये सब आप रिएक्शन दे सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।